करो तब मजा आएगा, ना आए तो भाई अपने YouTube चैनल का नाम चेंज कर दूंगा। कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया, देख लो थिकनेस देख लो भाई, सर पे मार दिया ना सर फट जाएगा। वॉल और वार्डरोब के साथ पूरा मैचिंग का ख्याल रखा गया फ्लोर पे। भाई इधर तो देखो, ये देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज लखविंदर सिंह एंड यू आर वॉचिंग लखविंदर व्लॉग। तो दोस्तों आप सोच रहे हो कि मैं आज इतना खुश क्यों? अरे भाई, जो मैं आज आपके लिए फ्लैट लेकर आया हूँ ना, आप देख लो या विजिट कर लो, अगर इससे बढ़िया फील, इससे बढ़िया इंटीरियर आपको मिल जाए ना तो भाई मुझे बताना, फिर मैं उसको भी कवर करूँगा ना। तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, विजिट किया एंटर करते मेरा मुँह एकदम ऐसा था। तो पूरा हाउस टूर देखना एंड तक, फिर आप बताना आपको कैसा लगा। अगर आप में से कोई भी बंदा इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए कि कहाँ पे लोकेटेड है, कि कितना का प्राइस है, सब कुछ, तो आप डिस्प्ले में मैंने नंबर मेंशन कर दिया भाई, इनसे डिस्कस कर लेना, वो आपको सारी डिटेल शेयर कर देंगे। फिलहाल मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, डिटेल दे देता हूँ। ये लोकेटेड है आपका नीतिखंड के अंदर। प्राइस थंबनेल में और डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, नेगोशिएबल रहेगा। प्रोजेक्ट के अंदर जो भी रहने वाला है, इंटीरियर वुडन फ्लोरिंग की टाइल्स, टेक्सचर वॉल के ऊपर, सब कुछ आपका दिल गार्डन गार्डन ना हो गया तो नाम बदल देना, मैं यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दूंगा अगर आप यहाँ पे विजिट कर गए और आपको पसंद ना आया तो। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट रहने वाला है, इसका जो भी कारपेट एरिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिया है। अगर आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो भाई नंबर मैंने मेंशन कर दिया डिस्प्ले में, उनसे बात कर सकते हैं, या उनके ऑफिस में आप विजिट करना चाहते हैं तो ड्रीम होम्स ज्ञानगंज में उनका ऑफिस है, वहाँ पे आप विजिट करके आप इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी रहेगी नीतिखंड की, मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, आपने बहुत सारा प्यार दे दिया उसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोगों। तो इसकी कनेक्टिविटी के लिए अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स दे देता हूँ, यहाँ से कनेक्टिविटी आपकी वैशाली की मेट्रो स्टेशन 4 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ पे ऑलरेडी प्रपोज मेट्रो स्टेशन हो चुका है जो कि शक्तिखंड में आएगा, और यहाँ से दिल्ली का आनंद विहार का एसबीटी हार्डली 5 किलोमीटर है। यहाँ से NH-24 भी आपका सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ता है, शिप्रा मॉल 1 किलोमीटर पड़ता है, नोएडा का 62 सेक्टर भी आपका यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है। तो ओवरऑल दिल्ली टू नोएडा कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया रहने वाली है यहाँ से। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ मैं आज का व्लॉग, जो लग्जरी 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट के साथ है, तो वीडियो में बने रहना। तो यूनिट जिसमें अवेलेबल है तो आप डिस्कस कर सकते हो, ये आपका लॉबी एरिया है, ये आपकी लिफ्ट का प्रोविजन है जो कि काम जैसे बताया थोड़ा चल रहा है। तो ये पूरा लॉबी एरिया है, ये आपके फ्लैट की एंट्रेंस आप देख सकते हो, 7 फीट की आपको एंट्रेंस डोर मिल रही है। तो जैसा मैंने आपको बताया था भाई, देख लो एक बार, ये एक इम्प्रेशन अपने फ्लैट का। फ्लोरिंग टाइल्स देख सकते हो, वेट्रीफाइड टाइल्स रहने वाली है। एंट्रेंस में ही आपको शू रैक मिल जाता है, और सामने शू रैक के ऊपर ही आपका मेन स्विचेस का बोर्ड है पावर की। तो ये आपका एक छोटा सा फॉयल एरिया रह जाता है एंट्रेंस में। ये पूरा एक बार आप इम्प्रेशन देखिए अपने लिविंग एरिया का, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ा लिविंग एरिया रहने वाला है आपका। टाइल्स का काम देखिए, बहुत अलग ही फील देने वाला है आपके लिविंग एरिया को। पूरा आपका लिविंग एरिया रहने वाला है। फॉल सीलिंग जो आप देख रहे हो, डबल फॉल सीलिंग हुई पड़ी है। डबल फॉल सीलिंग के अंदर लाइट्स आपको लग के मिलेंगी जब आपको हैंड ओवर होगा पोजिशन के टाइम पे। तो ये पूरा आपका लिविंग एरिया रहने वाला है। कारपेट एरिया रूम का और लिविंग रूम का मैंने मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में। तो ये आपका पूरा लिविंग एरिया रहने वाला है, आप देख सकते हो। स्प्लिट एसी का प्रोविज़न बिल्डर ने यहाँ पे दिया है आपको लिविंग एरिया के लिए। तो भाई एक बार ओवरव्यू देखिए, पूरा झूमर वगैरह सब आपको फ्री में मिलेगा भाई, टेंशन नहीं लेने का, झूमर वगैरह सब आपको फ्री में मिलेगा। और फॉल सीलिंग के अंदर आप देख सकते हो टेक्सचर का कितना ज़बरदस्त काम किया है, जो कि मैच कर रहा है आपकी पूरी लिविंग एरिया की थीम से। ये आपकी लिविंग एरिया की बैक वॉल रहने वाली है, जो कि बहुत बढ़िया टेक्सचर हुआ है, आप देख सकते हो 3D टेक्सचर है पूरा। एक बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी फील आने वाला है आपके पूरे लिविंग एरिया के अंदर, आप देख सकते हो। ये पूरा आपका बैक वॉल है। तो एक बार लेआउट समझा देता हूँ। यहाँ से हमने एंट्री की थी, ये आपका शू रैक आ गया था एंट्रेंस में फॉल एरिया के साथ। ये पूरा आपका लिविंग एरिया है सामने टीवी कैबिनेट के साथ। फर्स्ट बेडरूम, 2 बेडरूम फ्रंट में, ये आपका किचन आ गया, वही आपका कॉमन वॉशरूम। तो ये पूरा लेआउट है आपका।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 7 सीटर एल शेप का सोफा बिछाइए, मूवी इंजॉय कीजिए, मस्त रहने वाला का पूरा लिविंग एरिया आप देख सकते हो। टाइल्स का काम देखिए, बहुत अच्छा ब्राइट टाइल्स के साथ, एक डार्क कलर की आपको फ्लोरिंग टाइल्स के साथ पूरा लिविंग एरिया आपको बहुत ज़बरदस्त फील आने वाला है। विजिट करो तब पता लगेगा भाई, वीडियो में आई नो इतना पता नहीं लगता, विजिट करो तब मज़ा आएगा, ना आए तो भाई अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दूंगा। तो ये पूरा आपका लिविंग एरिया रहने वाला है झूमर के साथ, बहुत बड़ा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया किससे थोड़ा आगे जाता हूँ, टीवी कैबिनेट आ गया आपका वाइट और वुडन ब्राउन कलर में, पूरा 2 कलर में आपको टीवी कैबिनेट मिलेगा, जो कि आपकी पूरी लिविंग एरिया का पूरा मैचिंग हो रहा है आपके लिविंग एरिया से, और एक ब्राइट कलर के साथ बहुत बढ़िया फील देगा आपके लिविंग एरिया को ये टीवी कैबिनेट। आपका इजीली यहाँ पे 50 इंचेस का टीवी लग सकता है, ये पूरा आपका लिविंग एरिया देख सकते हो। और ये ऊपर एक बार काम देखिए भाई, काम देखो फॉल सीलिंग का, डबल फॉल सीलिंग के साथ आपको लिविंग एरिया मिलने वाला है। तो लिविंग एरिया से ही ये आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, एंट्रेंस में ही आपको वुडन का बहुत बढ़िया काम होके मिलेगा। तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, वेट्रीफाइड टाइल्स जैसे मैं बता रहा हूँ हर रूम के अंदर इधर मिलने वाली है आपको। फर्स्ट बेडरूम के अंदर ही ये आपका विंडो का प्रोविजन बिल्डर दे रहा है, यहाँ पे आपको विंडो एसी लग जाएगा। सामने वार्डरोब का आपको बना के दे रहा है बिल्डर, बहुत बड़ा वार्डरोब रहने वाला है। अगर इस वार्डरोब की स्पेस की बात करूं तो आप देख सकते हो बहुत बढ़िया स्पेस आपको मिलने वाला है, 3 कॉलम के साथ आप देख सकते हैं आपको वार्डरोब मिलने वाला है। ये पूरा आपका फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है। ऊपर एक बार आपको मैं फॉल सीलिंग का काम दिखा देता हूँ। फॉल सीलिंग के अंदर लाइट्स आपको लग के मिलेगी, उसकी आप टेंशन मत लेना भाई, बार बार बता रहा हूँ भाइयों और बहनों, सब आपको काम होके मिलेगा। ये सामने आपका वॉल आ गया जहाँ पे आपका टीवी कैबिनेट आप लगा सकते हैं इस बेडरूम के लिए। ये पूरा आपका फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है। कारपेट एरिया आप अपने डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ वुड डोर्स के, वुड की भाई कमाल कर दिया, भाई कमाल कर दिया, देख लो थिकनेस देख लो भाई, सर पे मार दिया ना सर फट जाएगा, इतना ज़बरदस्त गेट दिया है देख लो। तो यहाँ से फर्स्ट बेडरूम से अगर मैं लिविंग एरिया में आ गया हूँ, ये आपका लिविंग एरिया था जो मैं आपको बता रहा था, ये पूरा आपका लिविंग एरिया आ गया। फिर से सामने की तरफ जाता हूँ, लेफ्ट साइड में आपका किचन आ जाता है, बहुत बढ़िया एंट्री आपको किचन के अंदर मिलने वाली है जाली के साथ, और बॉर्डर आपके वुडन के रहने वाले हैं। आपको अल्ट्रा लग्जरी फील ना आ गया तो भाई बार बार कह रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दूंगा, ये देख लो एंट्री में ही किचन के आपके ये स्पेस मिल जाता है आपके रेफ्रिजरेटर के लिए, एक अलग से स्पेस दे रहा है बिल्डर। आपका काउंटर टॉप वाइट कलर का दे रहा है जो कि आपको लग्जरी फील देने वाला है, पूरे किचन को मैच कर रहा है आपके कैबिनेट से, आपका काउंटर टॉप वाइट कलर का है। और जो भी आपके कैबिनेट्स हैं आप देख सकते हो इसमें भी वुड की, ये आपका वुड की थिकनेस आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं एक और बता देता हूँ, इसके अंदर जो भी इसके अंदर आपकी बैक टाइल्स रहने वाली है वो सब आपकी मैच कर रही है पूरी किचन से, आप देख सकते हो। ये आपका वॉशिंग एरिया रहने वाला है, एयर वेंटिलेशन के लिए आपकी विंडो प्रोविज़न यहाँ पे बिल्डर ने दिया है। ऊपर काम देख सकते हो फॉल सीलिंग का किचन के अंदर। तो ये किचन आपकी थी जो कि 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट के अंदर, ये आपका फिर से लिविंग एरिया आ गया। नज़र डाल लीजिए भाई लोगों, विद झूमर एक नंबर का काम हुआ पड़ा पूरे फ्लोर पर। ये आपका किचन का पूरा व्यू आ गया लिविंग एरिया से। जस्ट आगे की तरफ जाता हूँ, ये आपके 2 बेडरूम आ गए फ्रंट के। तो ये आपका कॉमन वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम के अंदर जैसे मैं बता रहा था स्टार्टिंग में थोड़ा फिनिशिंग का काम चल रहा है, टैप्स वगैरह सब आपको नंबर ब्रांड के लग के मिलेंगे, उसकी टेंशन मत लेना। 1 मैच की पूरी टाइल्स है आपकी कॉमन वॉशरूम के अंदर, जो कि एक अल्ट्रा लग्जरी आपको फील देने वाला है। एयर वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको मिल जाएगी कॉमन वॉशरूम में, साथ में आपको स्पॉटलाइट मिलने वाली है। जस्ट बाहर आते ही कॉमन वॉशरूम से ही आपके 2 बेडरूम आ जाते हैं, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3। तो पहले बेडरूम नंबर 2 में चलते हैं। ये आपका बेडरूम नंबर 2 आ गया जिसके साथ आपका बाथरूम कनेक्टेड है। कारपेट एरिया आप अपने डिस्क्रिप्शन में देख लेना भाइयों। टीवी कैबिनेट इसके अंदर आपको मिल रहा है बेडरूम नंबर 2 में, बिल्डर आपको प्रोवाइड करा रहा है। पूरा ऊपर फॉल सीलिंग का काम आप देख सकते हो, जैसे बार बार बता रहा हूँ, लाइट्स आपको लग के मिलेगी फॉल सीलिंग में, उसकी आप एक पैसे की टेंशन मत लेना।
फैंस वगैरह सब लग के मिलेंगे। थोड़ा फिनिशिंग का काम चल रहा है इसलिए अभी आपको यहाँ पे डेमो में नहीं है। सामने आपका विंडो का प्रोविज़न है, यहाँ पे आपका विंडो एसी लग जाएगा जो कि आपका ठंडा ठंडा कूल कूल होने वाला है रूम, उसकी टेंशन मत लेना भैया। बैक वॉल पे या तो वॉलपेपर या टेक्सचर, फिलहाल अभी टेक्सचर हुआ पड़ा है तो आप टेक्सचर देख सकते हो, 3D टेक्सचर इसमें किया गया है पूरे वॉल पे विद वार्डरोब, बहुत अच्छा मैच कर रहा है आपका पूरा वॉल और वार्डरोब के साथ, पूरा मैचिंग का ख्याल रखा गया फ्लोर पे, जिससे कि आपको कहीं से भी ये ना लगे कि आप होटल में नहीं रह रहे या घर पे रहे, आपको होटल का फील आने वाला। बाहर का व्यू देख सकते हो लिविंग एरिया से, अलग टाइल्स हैं, अलग ही फील आने वाला, आपको हर सेपरेट रूम अलग से दिखेगा। तो ये आपका वार्डरोब का स्पेस देखिए, 3 कॉलम के साथ मिलने वाला है, बहुत ह्यूज कॉलम्स है और पूरा साइज देख सकते हो टॉप टू फ्लोर। तो ये आपका वार्डरोब रहने वाला है सेकंड बेडरूम में। अब बात करता हूँ भाई आपके सेकंड बेडरूम के कनेक्टेड वॉशरूम की, देख लो भाई है ना कमाल। 1 मैच की टाइल्स आपकी 3 वॉल पे और ये एक हाईलाइटेड वॉल आ गई आपकी, क्यों मजा आया। तो ये आपका भाई लेकर आया है जबरदस्त लग्जरी सेगमेंट का 3 BHK नीति खंड के अंदर भाई, इसकी टेंशन मत लेना वुड की, काम देख लो एक नंबर का हो पड़ा है ठीक है। सेकंड बेडरूम के अंदर ये देख लो भाई, एयर वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो भी दे रहा है बिल्डर, तो कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली पूरे फ्लोर के अंदर। सेकंड बेडरूम से अगर मैं अगर बाहर की तरफ जाता हूँ, ये आपका कॉमन वॉशरूम आ गया था, इस आपका मास्टर बेडरूम आ जाता है। मास्टर बेडरूम का भाई काम देखो, ऊपर दिल गार्डन गार्डन ना हो गया तो नाम बदल देना, पूरी जाली का काम किया फॉल सीलिंग के अंदर। फॉल सीलिंग में लाइट्स आपको लग के मिलेंगी। सामने आपका विंडो का प्रोविज़न है, यहाँ पे आपका विंडो एसी आ जाएगा, तब भी एयर वेंटिलेशन के लिए आपको अलग से विंडो दी है। पूरा आपका गेट डोर यहाँ रहने वाला है यूटिलिटी बालकनी का। सामने का काम देखो दोस्तों है ना एक नंबर, पूरा टीवी यूनिट देखो जबरदस्त वुड के साथ आपको मिलने वाला है। एक बार नज़र डालो, ये देखो ये नज़र डालो, ये पूरा काम आपका फॉल सीलिंग का, सब आपको लाइट्स वगैरह लग के मिलेंगी। अब जरा भाइयों इधर तो देखो, ये देखो ये काम है पूरा है ना, हाईलाइटेड वार्डरोब, एक अलग ही फील आएगा आपको अपने फ्लोर पे। ये देखो अब इसकी मैं स्पेस की बात करूँ, ये देखो 3 कॉलम के साथ इधर भी आपको मिल रहा है फ्लोर टू टॉप ठीक है। तो कारपेट एरिया आप अपने डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं, ये पूरा आपका मास्टर बेडरूम रहने वाला है। और यहाँ से आपको यूटिलिटी बालकनी मिल जाती है मास्टर बेडरूम के साथ ही, टफ एंड ग्लास का काम होके मिलेगा, आपका लग्जरी फील ना आ गया तो नाम बदल देना। टाइल्स का देख लो भाई, पूरा टफ एंड ग्लास है आपकी बालकनी में, आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी बढ़िया सोसाइटी में रह रहे हो अपने फ्लोर पे। स्पेस देखिए अपनी बालकनी का, यहाँ पे आपका वाटर सप्लाई दे दी जाएगी। ये पूरा आपका देख सकते हो बालकनी है टफ एंड ग्लास के साथ। सामने की सड़क आप देख सकते हो, आपको 30 से 35 फीट की सड़क मिलेगी। ये पूरा एरिया आप देख सकते हो वेल डेवलप्ड है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत फैमिलीज रह रही हैं, रेडी टू मूव है, नीतिगंज में लोकेटेड है। तो ये पूरा आपका बालकनी रहने वाली है। यहाँ से मैंने बताया था ये आपका सेकंड बेडरूम का बाथरूम था, ये सेकंड बेडरूम के लिए यहाँ पे विंडोज का प्रोविज़न था। दोस्तों आया मज़ा फ्लोर का हाउस टूर देख के, मुझे भी बहुत मज़ा आया जब मैंने यहाँ पे विजिट किया। तो अगर आप में से किसी का भी कोई भी कंसर्न हो इस फ्लोर से तो भाई डिस्प्ले में मेंशन कर दिया मैंने नंबर, उनसे बात कीजिए डिस्कस कीजिए, वो आपको सारी डिटेल शेयर कर देंगे। इस प्रोजेक्ट की सारी कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दी, अगर आप भी कोई आपका कंसर्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितना मुझे पता होगा मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों फील देख लीजिए, कम नहीं है होटल से, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, फिर आपको पता लगेगा किस लेवल का ये आपको 3 BHK लेकर आए। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, जल्दी आऊँगा नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।